हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं श्वेता अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग। और मैंने अभी अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह से। मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ, मैं फ्रेश अप हो चुकी हूँ और अब मैं यहाँ करने जा रही हूँ ब्रश। तो मैंने अपने ब्रश को लिया है, पेस्ट निकाला है और मैं ब्रश कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज मैं अपना व्लॉग सुबह से स्टार्ट करती हूँ कि मेरा दिन सुबह से कैसा होता है, अपना पूरा रूटीन आपके साथ आज शेयर करूँगी। और आज है दिन सैटरडे, तो पीहू की आज छुट्टी है इसलिए वो मेरे साथ यहाँ पे खेल रही है। पहले मैं अपना ब्रश करूँगी, उसके बाद मैं पीहू को भी ब्रश करा लूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था इस वजह से मैं पीहू को इस समय नहीं ब्रश करा रही हूँ। वरना मैं नॉर्मल डेली तो मैं जब करती हूँ उसी समय मैं पीहू को भी दे देती हूँ। पीहू के डैडी अभी गए हैं जिम और जब वो जिम से आएंगे तो उनको आज जाना है अपनी क्लासेस करने के लिए, तो वो जाएंगे, मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो मैं जल्दी जल्दी पहले अपने सुबह डेली रूटीन के काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने ब्रश कर लिया है, वॉश बेसिन को भी क्लीन कर दिया है। मैं डेली ऐसे ही हाथ मार देती हूँ एक दो दिन में, तो वॉश बेसिन बिल्कुल साफ़ रहता है। और मैं अब अपने फेस को पोछ रही हूँ और अब मैं अपना बेड मेकिंग करूँगी। तो मैं सुबह ही बेड मेकिंग कर लेती हूँ जिससे कि घर थोड़ा साफ़ लगने लगता है। अगर आप अपना बेड को पहले क्लीन कर देते हैं तो घर बहुत ही ऑलरेडी साफ़ लगने लगता है, वरना पूरा कमरा फैला फैला ही लगता है। और पीहू भी मेरी यहाँ पर हेल्प कर रही है, वो मैं उसको बता रही हूँ कि जाओ जाके ये रखो वो रखो। तो मैं अपना यहाँ पे ब्लैंकेट फोल्ड कर रही हूँ और पीहू भी अब देखिएगा वो दूसरे ब्लैंकेट को कैसे अभी रखेगी अलमीरा में। तो हम दोनों, पीहू मेरे साथ खेल रही है, खेल खेल में मैं उसको सिखाती रहती हूँ कि बेटा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो बस मैं अब यहाँ पे चादर को भी ठीक कर दूँगी। हालत है इस कमरे की। मैंने एक रूम को तो क्लीन कर दिया है, सारा सामान सेट कर दिया है। अब मैं बाहर वाले रूम में भी आ गई हूँ। यहाँ पे भी आपने देखा कितना ज़्यादा फैला था, तो मैंने वो सब सेट किया, चादर को झाड़ा, पीहू के सारे सॉफ्ट टॉयज़ को लाइन से लगाया। मैंने विंडो भी मैं सुबह खोल देती हूँ जिससे कि थोड़ी फ्रेश एयर आए। वैसे रात में खुली रहती है बट थोड़ा सा ही खोलते हैं, क्योंकि फिर रात में डर है कि कोई पक्षी अंदर ना आ जाए, इसलिए बंद कर देते हैं। और सुबह हम पूरी विंडो खोल देते हैं जिससे कि अच्छी फ्रेश एयर आए। बट धूप आजकल बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं फिर थोड़ी देर बाद, एक दो घंटे के बाद मैं कर्टन को लगा देती हूँ, क्योंकि फिर कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस तरह मैं दिन सारा अपना पहले सामान सेट करूँगी। पीहू की सारे फुटवेयर्स इधर उधर फैले हैं, वो निकालती रखती रहती है, खेलती भी रहती है, तो बस वो मैंने सेट कर दिया है। और बीच में पीहू मेरे से बोल रही थी मम्मा मेरी चोटी बांध दो, तो मैंने उसके चोटी भी बांध दिया है। और अब मैं झाड़ू लगाऊँगी, तो पहले मैं अंदर वाले रूम से स्टार्ट करूँगी और फिर थोड़े बहुत जो जाले डस्ट होते हैं वो मैं डेली दो तीन दिन में झाड़ती ही रहती हूँ, तो जाला नहीं
लगता है। अभी मुझे दिवाली की भी सफाई करनी है, तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो यही है, और अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी और फिर जल्दी जल्दी ये सब काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। पीहू को बीच में भूख लग गई तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे बिस्किट दे दो, तो मैंने अभी पीहू को एक बिस्किट दिया है और वो बिस्किट खा रही है। इसके बाद मैं उसको दूध दूंगी, और ये वही आटा है जो कल मैं लेकर के आई थी, तो अभी मुझे इसको भरना भी है। मैंने वो डिब्बा तो धुल लिया है जिसमें कि मुझे आटे को भरना है, पर वो सूख गया है, आज मैं इसको भरूँगी, इसलिए ये सामने रखा हुआ है। और ये सारे कूड़े को अब मैं डस्टबिन में भर दूँगी। और शायद कल ये कीड़ा आ गया था, कुछ बड़ा सा कीड़ा, तो मैं उसको वही माँ बाहर फेंक रही थी, उठा के पीहू कह रही थी मम्मा ये क्या है, तो बस मैंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया है। अब मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। मैं हर एक मतलब दिन में एक बार तो ज़रूर डस्टिंग करती हूँ, तो पहले मैं सूखे कपड़े से डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं एक बार गीला कपड़ा लेकर के फिर से उसको डस्ट करती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि घर है मेरा ऑन रोड पे, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है यहाँ पर। तो मैंने डाइनिंग टेबल पोछा है, फिर टीवी केस, अब मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में भी मैं पहले ही मार देती हूँ, वरना मैं नहाने के आने के बाद भी फिर किचन को स्लेब जो उसका काउंटर टॉप है वो ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि बहुत धूल आती है। और रात में पता नहीं कौन सा कीड़ा या फिर कुछ आया हो, मच्छर, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो यहाँ पे सामान रखा है वो अंदर सेट कर देती हूँ। अब मैं जाऊँगी, ये सब करने के बाद मैं नहाने जाती हूँ, और फिर नहा करके मैं आऊँगी। इस बीच में मैंने अपना ब्रेकफास्ट में मैं आज चने बनाती हूँ सैटरडे में, तो मैंने चने भी छौंक दिए थे। मैंने रेसिपी नहीं शेयर करी क्योंकि पहले मैं उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं बना करती हूँ यहाँ पर भगवान जी की पूजा, तो बस मैं आरती जलाऊंगी यहाँ पे। और मेरी एक किसी सब्सक्राइबर ने कहा था आप सर पर जरूर से सर ढका करिए, कपड़ा रखा करिए, तो मैंने सर ढक लिया है। क्यों, जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि अभी आज वीडियो शूट करना है या कुछ है, तो इस तरह से ध्यान नहीं होता है, बट मैंने ध्यान से रखा है। थैंक यू, आपने मुझे बोला है, मैं कुछ आपसे सीख रही हूँ, आप मेरे से सीख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी पूजा हो गई है, और मैंने चने को खोल के देखा, उसमें थोड़ा सा पानी बाकी था, तो मैंने गैस ऑन कर दिया है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पीहू के डैडी का टिफ़िन, तो मैं उसमें बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर काट लिया है, और मैं इसमें प्याज डालूँगी। फिर पीहू के डैडी बीच में आ चुके हैं, अब वो रेडी हो रहे हैं, तो मैं वो बोले कि ये चने भी थोड़े से उसमें मिक्स कर देना, आज इस तरह से बना दो, तो बस मैं वही इसमें चने भी डाल दूँगी। अभी आपको आगे दिखाई देगा, रेसिपी पूरी तो नहीं शेयर कर रही हूँ,
हूँ, बस जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसलिए मैं आज रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। और जब भी ये सब्जी बन जाएगी, पनीर भुर्जी बन जाएगी, आटा मैंने गूंथ के लगा दिया है, आज पीहू के डैडी यही लंच में टिफ़िन में लेके जाएंगे, तो नाश्ते में ये भी, ये देखिए इन्होंने बोला चने डाल दो, तो मैंने उसमें चने भी डाल दिए हैं। और बहुत ईजी है, बस प्याज टमाटर भून करके मैंने कुछ सूखे मसाले डाले और पनीर को छोटा छोटा काट करके वो डाल दिया था, और फिर उन्होंने बोला चने डाल दो, तो मैंने चने डाल दिया, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा। मैंने एक बाइट खा के देखा, एक चम्मच, तो अच्छा लग रहा था। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए चाय, तो अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट चने और चाय, साथ में बस ये थोड़ी सी नमकीन ले लूँगी, तो मैं यहाँ पे अपने लिए निकाल रही हूँ, आइए आप भी खा लीजिए। और अब मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने, पीहू और मैं पहले कर लेंगे, क्योंकि पीहू के डैडी अभी फ्रेश हो रहे हैं, नहाएंगे, तैयार होंगे, फिर वो बाद में करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी मैं इस तरह से डेली नाश्ता करती हूँ, बस यही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे और वीडियो और व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अब मैं पीहू के डैडी का, मैंने सब्जी तो बना दी है, मैं उनके टिफ़िन के लिए रोटियां बनाऊंगी, तो बस पहले किचन से थोड़े जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो हटा दूंगी और फिर मैं बनाऊंगी यहाँ पे चपातियां, तो वही उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और डेली ऐसा नहीं होता है, ये सैटरडे का मेरा रूटीन है क्योंकि पीहू की छुट्टी है, वरना मैं सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हूँ कुछ ऐसा, जैसे दलिया हो गई, ओट्स हो गया या फिर चीले हो गए, जो कि पीहू ईजिली खा लेती है, जो उसे पसंद है, तो बस फिर मैं उसको वो खिला करके जाती हूँ उसे स्कूल छोड़ने, फिर भागते भागते घर आती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। चाय मैं पीहू को छोड़ने के आने के बाद ही पीती हूँ जब उसका स्कूल होता है। तो मैं यहाँ पे अपना पीहू के डैडी का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, और उनको चने के साथ सॉस अच्छा लगता है, तो मैं उनको सॉस दे रही हूँ। मैं दो रोटी बनाने के बाद पीहू के डैडी का टिफ़िन जो है वो पैक करती हूँ, वो सिर्फ दो रोटी ले जाते हैं और रोटियों में घी भी नहीं लगाते हैं, तो बस ऐसे ही है, वो नहीं खाते हैं घी, हम लोग वो रोटियों में घी नहीं खाते हैं, जब भी घी खाना होता है तो वो दाल या फिर फ्राई राइस में, खिचड़ी में ऐसे ही डालते हैं, सब्जी में भी डाल लेते हैं, छोले राजमे में, तो बस यही है। और यहाँ पर मैं पीहू के डैडी का टिफ़िन ऐसे करके फोल्ड कर रही हूँ रोटियों को, और इसको रखूँगी टिफ़िन में, सब्जी मैंने टिफ़िन में निकाल दी है, टिफ़िन मैंने सुबह ही धुल दिया था और इसको रख दिया था हवा में जिससे कि ये थोड़ा सूख जाएगा, साथ में थोड़े सैलेड भी दे देती हूँ, नींबू और खीरे को, तो वो मैं कट कर रही हूँ, और पीहू आकर के यहाँ पे फॉइल पेपर लेके भाग रही थी, फिर मैंने जल्दी से उससे लेकर के रखा, तो बस मैं इस तरह से टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो अभी पीहू के डैडी का जाने का टाइम हो गया है और पीहू अपने डैडी को प्यार कर रही है, इस तरह से मेरी सुबह की शुरुआत होती है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपको कल अपने एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, अब तक टेक केयर, बाय बाय। आपने बाय कर दिया।